नमस्कार दोस्तों, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की तरफ से आज करीब 5 से 6 ऑफिशियल नोटिस और 3 से 4 पेपर कटिंग शेयर करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और पढ़ें समझें। सबसे पहले यहां पे देख सकते हैं आकांक्षित संशोधन, जैसे कि आप लोग यहां पे नोडल सेंटर्स बीएड 2 ईयर मेन एग्जाम के लिए कुछ यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर को चेंज किया गया, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे अपडेट है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कौन से कॉलेज का कहाँ सेंटर गया है, पहला नोटिस यहाँ पे देखने को मिला है। नेक्स्ट है दोस्तों चौधरी चरण सिंह स्पेशल एग्जाम, और यहाँ पे देख सकते हैं बेड एग्जाम को लिए यहाँ पे कुछ खास अपडेट है। यहाँ पे सिंपली कोड विश्वविद्यालय नाम है और केंद्र कहाँ गया है, केंद्र कोड यहाँ पे देख सकते हैं संपूर्ण जानकारी दिया गया है। तो जो भी दोस्त लोग बीएड से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वो इस नोटिफिकेशन को संपूर्ण देखें ताकि किसी प्रकार का परेशानी देखने को ना मिले, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों दूसरा ऑफिशियल अपडेट। नेक्स्ट है दोस्तों आपके सामने यहाँ पे देख सकते 21 से 22 में मुख्य परीक्षा स्थान गत व्यक्तिगत भूतपूर्व, इस तरह से यहाँ पे जो भी यहाँ पे अपडेट है बी ए बी एस सी बी कॉम कम अप्लीकेशन के लिए जो है कुछ यहाँ पे खास अपडेट दिया गया, जिसमें लिखा है 6/5/22 से इस तरह से 27/5/22 तक चलने वाला था, जो कि अब यहाँ पे कंप्लीट करा लिया गया है। उसका देख सकते हैं एग्जाम होने वाला है ओल्ड एग्जाम इस तरह से और न्यू एग्जाम इस तरह से, फिर यहाँ पे शिफ्ट वाइज और क्लास वाइज, ठीक है। यहाँ पे जो अपडेट है वो आप लोग यहाँ पे खुद से भी रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की तरफ से बी एड प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष संधान परीक्षाएं में 22/6/22 आरंभ हो रही है। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए कुछ खास जानकारी दिया गया है। तो आप लोग भी यहाँ पे ध्यानपूर्वक इसको पढ़ लें, समझ लें, रीड कर लें। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं बताया गया कि यहाँ पे चुनौती यानी कि चैलेंज का जो है रिजल्ट वो जारी किया गया है। तो हम आपको शेयर कर देते हैं इस पर, इस तरह से रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इसमें से जो भी इससे रिलेटेड दोस्त लोग हैं उसको ध्यानपूर्वक देखें यहाँ पे क्या आपका इसमें नाम है या नंबर मार्क्स वगैरह बढ़ा या नहीं, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखें, हमने शेयर कर चुके हैं जो भी था अपडेट। अब चलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन की ओर। नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप सभी के सामने है, जिसमें कि एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि परिषद विश्वविद्यालय विभिन्न विभागों में विज्ञापन ACAD इतना में द्वारा विज्ञापन सहायक आचार्य के रिक्त पदों पर नियुक्ति लिखित परीक्षा आयोजित 26/6 यानी कि यहाँ पे सहायक पद पर जो भर्ती हुआ था उसका लिखित परीक्षा 26/6 को होने वाला। तो जो भी दोस्त लोग इससे रिलेटेड हैं तो आप लोग यहाँ पे जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे पेपर कटिंग है, जिसमें लिखा है आंतरिक परीक्षा के अंक नहीं भेजे तो अटकेंगे एडमिट कार्ड, इस तरह से यहाँ पे अपडेट है। देखिए बीएड 22 जून से होने वाली परीक्षा 19 कॉलेजों में केंद्र संशोधित, इस तरह से यहाँ पे अपडेट है। और यहाँ पे देखिए CSU संबंधित 22 जून को होने वाली परीक्षा 19 कॉलेजों के केंद्र, इस तरह से यहाँ पे जानकारी दिया गया। BA और BSc BCOM के कोड 590 के पेपर तिथि बदली है, और यहाँ पे देख सकते हैं इसलिए क्या क्या बदलाव हुआ है। नेक्स्ट है MBBS का चुनौती मूल्यांकन रिजल्ट जो कि जारी कर दिया गया है, जो भी है वो ध्यानपूर्वक इसको रीड कर ले। और यहाँ पे लिखा है MSc बायो फॉर्मेशन इंफॉर्मेशन के लिए इन्फॉर्मेटिक्स और बायोमेट्रिक्स का रिजल्ट जारी हो चुका है। तो इस तरह से यहाँ पे अपडेट है फर्स्ट पेपर कटिंग। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे आपके सामने CSU कैंपस असिस्टेंट प्रोफेसर 26 जून को आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा स्थगित कर दी गई है, इस तरह से यहाँ पे कुछ खास अपडेट देखने को मिला है। नेक्स्ट है छात्र छात्राओं को बांटे गए टैबलेट, जो कि यहाँ पे CSU में टैबलेट पाने वाले छात्र छात्राएं कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लें, समझ लें, रीड कर लें। नेक्स्ट है खिलाड़ियों को प्रमोट करेगी EUSAI, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं CSU में समझौते के समय मौजूद शिक्षा को अन्य, इस तरह से यहाँ पे जो भी जानकारी है आप लोग यहाँ पे ध्यानपूर्वक रीड कर सकते हैं। फिलहाल जो मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट हमने आप सबके सामने शेयर कर दिया, उम्मीद है वीडियो काफी हेल्पफुल लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर, धन्यवाद।